हेलो दोस्तों, वानिवासे हो। वी आर इन लेसन टू। आई होप कि हांगल के आपने ट्यूटोरियल्स जो मैंने आपको बताया था वो देख लिए हैं और आपको हांगल अच्छे से पढ़ना और लिखना आ गया। अगर आपको नहीं आया है हांगल अभी ठीक से, पढ़ने में दिक्कत हो रही है आपको, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि हांगल की थोड़ी सी और प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से और तब आप यहाँ से शुरू कीजिएगा। अगर थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं लेकिन थोड़ा स्लो है, थोड़ा सा अटकते हैं, तो उतना चलेगा, दैट इज़ फाइन। आपको बिल्कुल जाहिर है कि तुरंत से परफेक्शन नहीं आ जाएगी, फ्लुएंसी नहीं आ जाएगी, बट हाँ, आपको अक्षर देख के पहचानना आता है या नहीं आता है। अभी कुछ भी लिखा हुआ है तो उसको आप जोड़कर पढ़ लेते हैं या नहीं, थोड़ा धीरे से ही, वो ज़रूरी है यहाँ से आगे जाने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको उतना आता है तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिट 3 में हम अब हैं। यूनिट 1 और 2 में हांगल स्क्रिप्ट पढ़ाई गई थी हमें। यूनिट 3 में हम एक बेसिक ग्रीटिंग्स और एक बेसिक ग्रामर का स्ट्रक्चर और कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी चीज़ें बताई गई हैं। तो जो ग्रामर की बात करें अगर हम, तो ग्रामर में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ हमें बताई गई है वो बताई गई है ये स्ट्रक्चर, जिस स्ट्रक्चर को यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंड का मतलब नाउन, नाउन मतलब कोई भी पर्सन, कोई भी चीज़, कुछ भी, सब वो नाउन है। तो नाउन एंड देन उन निन और देन अगेन नाउन, ये यो और ये यो, मतलब इसको अगर हिंदी में बोलें तो जैसे बोलते हैं हमने कि ए बी है, मतलब कोई चीज़ क्या है, जैसे मैं डॉक्टर हूँ, वह लड़का है और राजू टीचर है, इस तरह की चीज़ें जब आप सेंटेंस बोलते हैं तो उसमें इस स्ट्रक्चर का यूज़ होता है। अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में कैसे। उसके बाद कंट्री के नेम्स इसमें आए हैं, कई सारे जो मेजर कंट्रीज हैं उनके नाम कोरियन में कैसे बोलते हैं वो आए हैं, और कई प्रोफेशंस के बारे में, जैसे टीचर कैसे बोलेंगे कोरियन में, डॉक्टर कैसे बोलेंगे, ये सब चीज़ें आई हैं, और बेसिक ग्रीटिंग्स आया है। तो सबसे पहले हम बेसिक ग्रीटिंग्स से शुरू करेंगे, ठीक है, कि अगर आप कोरियन लैंग्वेज सीख रहे हैं तो आपको बेसिक ग्रीटिंग्स आने चाहिए। तो यहाँ पे हम आएंगे इस पेज पर, पेज नंबर ये है आपका 69, ओके। तो यहाँ पर हम बेसिक ग्रीटिंग्स देखते हैं। पहला ग्रीटिंग्स जो आपको ऑलरेडी पता होगा, अन्योंगहासेयो, अन्योंगहासेयो का मतलब होता है हेलो, हाय, नमस्ते, नमस्कार, कुछ भी ग्रीटिंग है एक बेसिक, जो आप किसी भी समय बोल सकते हैं, किसी से भी बोल सकते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ एज, जेंडर, कुछ भी, अन्योंगहासेयो। उसके बाद में अन्योंगहासेयो का आंसर भी अन्योंगहासेयो होता है, कोई अगर आपसे अन्योंगहासेयो बोलता है तो आप आंसर में भी एग्जैक्टली सेम चीज़ रिपीट करते हैं। उसके बाद जो सेकेंड ग्रीटिंग फ्रेज है हमारा वो है मान्ना सो फंगा वायो का मतलब होता है आपसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू, आई एम हैप्पी टू मीट यू। ये अगर कोई आपसे बोलता है मान्ना सो फंगा वायो, तो आप भी रिपीट कर सकते हैं सेम चीज़ मान्ना सो फंगा वायो, और सिंपली कभी कभी सिंपल फंगा वायो भी बोल सकते हैं, मान्ना सो को आप ड्रॉप भी कर सकते हैं, फंगा वायो, ओके। तो ये आपका इसमें होगा नाइस टू मीट यू का। उसके बाद यहाँ पर एक फ्रेज़ है गुड बाय कैसे बोलते हैं कोरियन लैंग्वेज में, तो गुड बाय के लिए यहाँ पे दो फ्रेज़ हैं अगर आप देखें तो। पहला है अन्योंग ही खासेयो और उसके बाद है अन्योंग ही खेसेयो। तो इस दोनों फ्रेजेज़ में सिर्फ खा और खे का डिफरेंस है, बाकी सेम ही है। अन्योंग ही खासेयो तब बोलते हैं जब सामने वाला जा रहा हो कहीं, विदा लेके निकल रहा हो, और अन्योंग ही खेसेयो तब बोलेंगे जब सामने वाला रुक रहा हो वहीं पे, वहीं रुकने वाला है, आप निकल रहे हैं। और अगर दोनों ही जा रहे हो, मान लो कहीं मिले हैं, दोनों ही जा रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे को अन्योंग ही खासेयो बोलेंगे। अन्योंग ही खासेयो का बोलेंगे जाने के लिए, अन्योंग ही खासेयो रुकने के लिए, बट दोनों बाएं हैं, तो इसको ध्यान रखना है आपको। उसके बाद यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है थैंक यू कैसे बोलते हैं कोरियन में, तो उसके लिए दो फ्रेज हैं, खामसा हमदिदा, खामसा हमदिदा, खामसा हमदिदा, एंड दूसरा फ्रेज है खुमापसमदिदा, खुमापसमदिदा, खुमापसमदिदा और खामसा हमदिदा। उसके बाद एक फ्रेज़ है आई एम सॉरी, सॉरी कैसे बोलते हैं, अपोलोजाइज कैसे करते हैं कोरियन में, तो उसके लिए भी दो फ्रेज़ हैं मियान हेयो और छुएसोंग हेयो, मियान हेयो, छुएसोंग हेयो, मियान हेयो, छुएसोंग हेयो, ओके। उसके बाद है यहाँ पे फ्रेज़ एक वेलकम, मतलब किसी ने आपसे थैंक यू बोला है ना, किसी ने आपसे बोला खमसा निदा, वापस निदा, तो आप उसके जवाब में बोलेंगे छनमा नयो, छनमा नयो, और यू कैन ऑल्सो से खेंचा नायो, खेंचा नायो। ये जो नेक्स्ट आया है फ्रेज जिसका मतलब होता है इट्स ओके, खिंचा ना आयो, इट्स फाइन, इट्स ओके। उसके बाद लास्ट में एक वर्ड है एक्सक्यूज़ मी, किसी से आपको रास्ता पूछना हो या किसी को आप कुछ भी थोड़ा सा बॉदर कर रहे हैं तो उसके पहले ये बोलते हैं शिल्ले हमनिदा, शिल्ले हाथी, शिल्ले हमनिदा, शिल्ले हमनिदा,
ओके तो ये हमारे हैं फ्रेजेस। उसके बाद यहाँ पे प्रोनाउंस बताए हैं, मैं इसको स्किप करूँगा, मैं आपको अलग तरीके से बताऊँगा थोड़े प्रोनाउंस, ये मैं छोड़ दूंगा इसको। इसके बाद में मैं आपको ले चलूँगा, आपको मैं ये बताने से पहले कंट्री के और जो प्रोफेशन के नाम हैं वो बताए गए हैं, बट वो डिटेल में हम देखेंगे। फिलहाल मैं आपको सिंपल ग्रामर पहले समझाता हूँ, ठीक है, जिससे कि हम पढ़ पाएँ ये चीज़ों को। और ग्रामर समझाने के पहले मैं आपको एटलीस्ट दो कंट्री के नाम तो बता ही देता हूँ, है ना, जिससे कि हम सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर पाएँ। तो पहली कंट्री का नाम होगा अपनी कंट्री का हमारे, जिसको बोलते हैं इंडो। इंडो का मतलब होता है इंडिया, इंडो, ओके। और दूसरी कंट्री का नाम हम लेंगे ऑब्वियसली हंगुक, जिसका मतलब होता है कोरिया, ठीक है, इंडो हंगुक। अब एक वर्ड मैं आपको यहाँ पे और दूंगा, जिस वर्ड को बोलते हैं साराम। साराम का मतलब होता है पर्सन, ओके। तो जब आप कंट्री के नाम में साराम लगा देते हैं, जैसे अगर आप बोलते हैं इंडो साराम, तो इसका मतलब हो जाता है इंडिया का आदमी, इंडियन, इंडियन सिटीजन, भारतीय जिसको बोल सकते हैं आप। उसी तरीके से जब हांगुक साराम बोल देंगे तो उसका मतलब हो जाता है कोरियन। अब साराम का ही एक जो ऑनरिफिक वर्ड है वो है बुन, ठीक है। बुन का मतलब भी पर्सन ही होता है, बट थोड़ा सा ऑनरिफिक है, थोड़ा ज़्यादा इसमें रिस्पेक्ट ज़्यादा इसमें है साराम के कंपेरिजन में, ठीक है। तो एक और दो आपको और वर्ड बताता हूँ मैं, कुछ वर्ड्स आपको बता रहा हूँ समझ, जिससे कि हम आराम से मूव कर पाएँ ग्रामर पे। आपको कुछ भी वर्ड पता नहीं होंगे तो हम ग्रामर समझ ही नहीं पाएंगे। तो अभी तक मैंने बताया आपको इंडो मतलब इंडिया, हांगुक मतलब कोरिया, साराम मतलब पर्सन, और बुन मतलब उसी का ऑनरिफिक पर्सन, और इंडो साराम मतलब इंडियन, हांगुक साराम मतलब कोरियन। अब एक वर्ड मैं बताऊंगा आपको, ई और ख, ये इन वर्ड्स को काफ़ी यूज़ करते हैं बुन के साथ में। अगर आप ई बुन बोलते हैं तो इसका मतलब होता है दिस पर्सन, मतलब ये पर्सन, किसके साथ में आपके है तो ई बुन बोल सकते हैं उनको, और ख बुन मतलब वो पर्सन, ठीक है। तो इसको आप दैट पर्सन भी कह सकते हैं, और इसको आप ही या शी भी बोल सकते हैं, क्योंकि दैट पर्सन ही तो होता है ही और शी, तो ही और शी के लिए हम ख बुन यूज़ करेंगे, ठीक है। और एक और प्रोनाउन बताऊंगा आपको मैं, उसके अलावा प्रोनाउन की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, जो किताब में लिस्ट दी हुई है इतनी लंबी, वो है छौ। छौ का मतलब होता है आई, मैं, ठीक है, छौ मतलब मैं। बहुत ज़्यादा आप अगर खुश हैं तो एक और याद कर सकते हैं, उरी, उरी का मतलब होता है वी, कई बार इसका मतलब आवर भी होता है, वी और आवर दोनों। सो छौ, उरी, ईबुन, खबुन, इतना काफ़ी है। कोरियन लैंग्वेज में यू के लिए वर्ड नौ अक्सर देते हैं लोग, लेकिन ये यूज़ नहीं करते हैं इसको, इसको रूड माना जाएगा अगर आप किसी को नौ कह के बुलाते हैं या नौ ऐसा कुछ। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप यूज़ मत ही कीजिए, तुम के लिए वर्ड यूज़ मत कीजिए। कैसे तुम बोलेंगे मैं बताऊँगा आपको अभी थोड़ी देर में, ठीक है। इतना सीख लिया हमने, अब आते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है ग्रामर का ये क्या है, इसको कैसे यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो इसका यूज़ करने के लिए, अगर मान लीजिए उदाहरण के लिए कि आपको बोलना है कि मैं इंडियन हूँ, ठीक है, या मैं इंडियन से भी पहले अपना नाम ले लेते हैं। अगर मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं सतीश हूँ, ठीक, तो कैसे बोलेंगे? तो मैं के लिए वर्ड होता है छौ, और ये जो एन है, मैंने बताया कि एन का मतलब कोई भी नाउन प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, तो मैं भी तो नाउन प्रोनाउन ही हूँ, प्रोनाउन है ना ये भी, तो छौ यहाँ पे हम लगाएंगे। उसके बाद इन और निन, इन और निन जो है इनको हम बोलते हैं टॉपिक मार्कर्स या टॉपिक पार्टिकल्स। पार्टिकल का मतलब होता है कि ये बताता है कि सेंटेंस में कौन सा जो वर्ड है वो टॉपिक है सेंटेंस का, कि उसके बारे में, वो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसके बारे में बात हो रही है। जैसे हमारे यहाँ सेंटेंस हिंदी में ने बोलते हैं कि राम ने, मोहन ने, को बोलते हैं, को हो गया ऑब्जेक्ट पार्टिकल, तो हमारे यहाँ उसको कारक बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में केस बोलते हैं, केस मार्कर्स, कोरियन में पार्टिकल्स बोलते हैं उसको। तो ये इन और नन दो हमारे टॉपिक पार्टिकल्स हैं। इनको लगाने का तरीका ये है कि अगर ये जो वर्ड है जो इसके पहले आ रहा है नाउन, अगर इसके नीचे में फाच्छिम आ रहा है, फाच्छिम आपको याद होगा होपफुली अगर आपने हंगल का वीडियो देखा होगा तो, कि नीचे में आता है वो छोटा सा वर्ड, तो वो अगर आ रहा है तब तो हम अन लगाएंगे, और अगर नहीं आ रहा है तो नन लगाएंगे, ठीक। तो
यहाँ पे नहीं है पाच्छिम तो हम लगाएंगे निन, ठीक है, छौनिन हम लगाएंगे, छौनिन। और मुझे बोलना है कि मैं इंडियन हूँ, तो इंडियन के लिए वर्ड क्या होता है, इंदो साराम, छौनिन इंदो साराम। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में फिर दो हमें चुनने हैं इन दोनों में से, येयो और इयो। तो येयो इयो जो बेसिकली हैं हमारे, इनको हम कह सकते हैं हिंदी में जैसे बोलते हैं है हूँ हो, इज एम आर के सेंस में इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इनका ही तरीका वही है लगाने का इन की तरह कि अगर फाच्छी मारा है लास्ट में तब तो येयो लगाएंगे ये वाला, और अगर नो फाच्छिम है तो एयो लगाएंगे। अब यहाँ पे इंदो सराम में पश्चिम दिख रहा है आपको, ये देखिए यहाँ पे जो लास्ट में एंड हो रहा है वो पश्चिम है, माँ कॉन्सोनेंट पे ख़त्म हो रहा है, पश्चिम का मतलब फाइनल कॉन्सोनेंट। तो अगर फाइनल जो वर्ड लेटर है वो कॉन्सोनेंट है तब हम ये वो लगाएंगे और यहाँ पे अन लगाएंगे, अगर फाइनल वर्ड है वॉवल है तो यहाँ पे अन लगाएंगे और यहाँ ये लगाएंगे। तो यहाँ पे लास्ट में क्या है, ओ ये वॉवल है अपने आप में तो नन लगाया हमने, तो यहाँ पे हम लगाएंगे क्या, ये यो छौनिन इंदो सराम, ये यो छौनिन इंदो सराम, ये, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि किसी का नाम हमें बोलना हो, कि जैसे मान लीजिए हमारे साथ में कोई कोरियन है जिनका नाम है मिनसू, ठीक है, तो कोरियन लैंग्वेज में अक्सर नाम के बाद में हम लोग शी लगाते हैं बुलाने के लिए, जैसे हम लोग हिंदी में जी लगाते हैं ना, मिनसू जी, मोहन जी, राजू जी, तो शी वैसे ही एक ऑनरिफिक सफिक्स है जो लगाते हैं। तो अगर हमें बोलना है कि मिनसू शी जो है वो कोरियन पर्सन है, कोरियन है, सिटीजन है, तो कैसे बोलेंगे, जैसे यहाँ पे हमने लगाया कि छौनिन, तो वैसे यहाँ मिनसू शी में कुछ लग जाएगा, है ना, तो मिनसू शीनिन क्या बोलेंगे, हांगुक साराम येयो, है ना, मिनसू शीनिन हांगुक साराम येयो। तो आपको समझ में आ गया कि कैसे नेशनैलिटी कैसे बोलते हैं। अब आते हैं प्रोफेशंस पे आते हैं, ठीक है। तो आपको मैं कुछ प्रोफेशन के वर्ड्स देता हूँ, तो एक वर्ड मैं आपको दूंगा सनसिंगिम, जिसका मतलब होता है टीचर, लिटरली इसका मतलब टीचर होता है, बट अक्सर किसी को भी बुलाने के लिए, किसी भी बड़े को रिस्पेक्ट के साथ में बुलाने के लिए आप सनसिंगिम बोल सकते हैं, मेल फीमेल दोनों को, इसका सिंपल मतलब होता है सर या मैडम, तो सनसिंगिम। तो अगर आपको बोलना हो, मान लीजिए मिनसू शी जो है आपके कोरियन टीचर हैं, है ना, तो आपको मिनसू शी कोरियन हैं, इसकी जगह बोलना है कि हमारे सनसिंगिम टीचर हैं, सनसिंगिम हमारे कोरियन हैं, तो कैसे बोलेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सनसिंगिम और अन और नन लगाना है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, अन लगेगा या नन लगेगा, क्योंकि पश्चिम है यहाँ पे, यहाँ पर तो पश्चिम नहीं था तो नन लगाया हमने, यहाँ पर पश्चिम है इसलिए यहाँ पे अन लगेगा, सनसिंगिमन, बाकी तो सेम ही रहेगा, हंगुक सराम ये, सनसिंगिमन हंगुक सराम ये, मतलब टीचर इज कोरियन, कोरियन सिटीजन, ठीक है। अब एक और आपको मैं देता हूँ प्रोफेशन, खासू, खासू का मतलब होता है सिंगर, गाना गाने। तो अगर आपको बोलना है कि मिनसू शी खासू हैं, ठीक है, ये मिनसू शी को नहीं छोड़ देते हैं, हम बोल देते हैं ही, हमने सीखा है वर्ड ही शी कैसे बोलते हैं, तो हमें बोलना है कि ही इज अ सिंगर, ठीक है। यहाँ पर ट्रांसलेशन करने में ध्यान रखिए कि इंग्लिश के वर्ड्स को एग्जैक्टली ट्रांसलेट मत करने लगे, हमेशा हिंदी में सोचिए, आप इंडियन लैंग्वेज में सोचिए, बिकॉज कोरियन लैंग्वेज इज मच मच वेरी मच सिमिलर टू हिंदी एंड इंडियन लैंग्वेजेस, सो इफ यू थिंक इन हिंदी देन योर सेंटेंसेज आर मोर लाइकली टू बी करेक्ट, है ना, तो इसलिए हिंदी में सोच करके और हिंदी में करेंगे ट्रांसलेट तो अच्छा रहेगा। तो ही के लिए आप कैसे बोलेंगे, वह गायक है, तो वह के लिए वर्ड है खबुन, राइट, और यहाँ पे खबुन में क्या लगाएंगे, अन या नन, अन लगाएंगे, राइट, क्योंकि पश्चिम यहाँ पे आ रहा है लास्ट में, तो खबुनन खासू, और क्या लगाएंगे, येयो या येयो, येयो लगाएंगे, राइट, क्योंकि नो पश्चिम, खासू के अंत में पश्चिम नहीं है यहाँ पे, तो हम लगाएंगे खासू येयो, राइट, खबुनन खासू येयो, सनसिंगिमन हंगुक सराम येयो, छौनिन इंदो सराम येयो, छौनिन सतीश येयो। ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमने अभी तक सीखा जो इस चैप्टर में आएगा। अब हम चलते हैं नीचे एक बार, ये सब
बेसिक चीज़ें हैं जो आप खुद पढ़ेंगे, पर खुद फिर से डिटेल में पढ़िएगा। मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट्स बताऊंगा जो उस चैप्टर का मेन क्रक्स है ना। तो यहाँ पर जैसे देखिए बता रहे हैं इसमें कि कोई अगर बोलता है ये आपके मैं मानना सो फांगा हुआ है तो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, तो मैंने बता दिया आपको कि सेम ही मानना सो फांगा हुआ है रिपीट कर देंगे। अन्यों की खेसे वो कैसे करेंगे रिस्पॉन्ड, खामजा आमनिदा कैसे करेंगे, तो ये वो चीज़ें हैं। अब यहाँ पे एक कॉन्वर्सेशन दिया हुआ है बोरा शी और सचिन शी के बीच में, इसके ऊपर मैं पढ़ देता हूँ। अन्य घास हो नहीं, अन्य घास हो मानना सो फांगा हो नहीं, मानना सो फांगा हो अन्य ही खास हो अन्य ही कैसे हो, समझ में आ गया आपको। बेसिक फ्रेजेस हैं वही आ रहे हैं सारे कन्वर्सेशन में, कुछ बात ही हुई नहीं हुई इसमें। हेलो हाय कैसे हैं, अच्छा लगा आपसे मिलके, बाय, बस इतना ही है। अब यहाँ पे ग्रामर की बात हो रही है, तो ग्रामर जो मैंने बताया आपको सोनसिंग निम में नन लगेगा, क्यों, क्योंकि इसमें पश्चिम है। छ में नन लगेगा क्योंकि पश्चिम नहीं है। सिमिलरली दीपक नाम यहाँ पे ले लिया, दीपक, दीपक के नाम में लास्ट में क आ रहा है दीपक, सो क पश्चिम है इसलिए नन लगेगा। पूजा के नाम में पश्चिम नहीं है इसलिए नन लगेगा। तो अगर आपको बोलना है कि पूजा इंडियन है तो कैसे बोलेंगे, पूजा नन इंदो सरामिया, या फिर हम ये शी लगा सकते हैं उनके नाम के बाद में, पूजा शीनन इंदो सरामिया। दीपक टीचर हैं, कैसे बोलेंगे, दीपक दीपाकन या दीपक शीनन सोनसिंग निमी, राइट। सो येयो और येयो का यही कॉन्सेप्ट है और इन्नन का भी वही कॉन्सेप्ट है। इन्नन यहाँ पे बताया मैंने, येयो में क्या है, इंदो सारामियेयो, क्योंकि यहाँ पे म पश्चिम आ रहा है। अगर बोलना है कि ये एक इंडिया है तो इंडिया में इंदो येयो, क्योंकि इंदो के नीचे में पश्चिम नहीं है, इंदो साराम में है बट इंदो में नहीं है पश्चिम। सिंगर हैं तो खासुएयो। हक सिंग येयो, हक सिंग का मतलब होता है स्टूडेंट, हक सिंग, सोनसिंग ने मतलब टीचर, हक सिंह मतलब स्टूडेंट। सो हक सिंह ये हो, अगर आपको बोलना है मैं स्टूडेंट हूँ तो बोलेंगे छोनन, हक सिंह ये हो। सो ये ही मेन ग्रामर है इसमें। अब उसके बाद में एक बार नज़र डाल लेते हैं कंट्री और नेशनैलिटीज़ के बारे में आया है, तो हांगुक कोरिया, चुंगुक चाइना, इल्बोन जापान, मीगुक अमेरिका, कैनेडा इज कैनेडा, रशिया रशिया, योंगुक इंग्लैंड और यूके, थोगिल इज जर्मनी, होजू इज ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट इज इजिप्ट, ब्राजील इज ब्राज़ील, इंडो इज इंडिया। अब इन सब में ही अगर हम लास्ट में साराम लगा देंगे तो वहाँ के सिटीजन बन जाएंगे, वहाँ के आदमी। हांगुक साराम कोरियन, चुंगुक साराम चाइनीज, मीगुक साराम अमेरिकन, ठीक है। तो उसमें कुछ नया वर्ड नहीं है, साराम साराम सब में लगाना है। तो अब आते हैं प्रोफेशंस पे, यहाँ पे देखिए कैसे यूज़ किया इन्होंने। अगर बोलना है आपको कि आई एम पार्क तो योन, आई एम अ कोरियन, आप खुद से ट्राई करके देखिए कैसे बोलेंगे इसको। आई एम पार्क तो योन, मैं पार्क तो योन हूँ, तो कैसे बोलेंगे, छोनन पार्क तो योन ही है यो। अब छोनन को आप ड्रॉप भी कर सकते हैं, छोनन कोरियन लोग जो है ना प्रोनाउन नाउन सब जो ना प्रोनाउन प्रोनाउन होते हैं, सब्जेक्ट जो होता है सेंटेंस को अक्सर ड्रॉप करते हैं, बहुत कॉमनली ड्रॉप करते हैं। तो अगर आपको बोलना है मैं डॉक्टर हूँ तो सिंपल वो बोलेंगे डॉक्टर हूँ, मैं को हटा देंगे। सिमिलरली पूछना भी आपसे कि आप कोरियन हैं क्या, तो आप हटा देंगे, सिंपल पूछेंगे कोरियन हैं, तो ऐसे पूछेंगे हांगुक सरामी है यो, इंदो सरामी है यो। तो छोनन आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो भाग तो यौन, यहाँ पर देखिए गलती है, ये मिस्टेक है, ये यो नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये यो, क्योंकि यहाँ पर पश्चिम है, तो ये मिस्टेक है। तो ये एडिशन पहला है किताब का, तो इसमें मिस्टेक्स होंगी तो आपको ध्यान रखना है, ये नहीं किताब में कोई चीज़ लिखी हुई है तो सही होगी वो, ये नहीं मान के चलना है। आई एम ए कोरियन, छोनन हांगुक सरामी है यो, ही इज सचिन, ही इज एन इंडियन, कैसे बोलेंगे, ही क्या हमने पढ़ा, खबुन, राइट। सो खबुनन सचिन ही है यो, खबुनन इंदो सरामी है यो। तो खबुनन को भी हटा सकते हैं चाहें आप, तो आपकी इच्छा है, रख भी सकते हैं हटा भी सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ कॉमन प्रोफेशंस के बारे में आया है, हक सेंग मतलब स्टूडेंट, सनसिंग नेम मतलब टीचर, छुबू हाउसवाइफ, हुएसावन, हुएसावन मतलब किसी भी कंपनी में काम करने वाला, चाहे किसी भी कंपनी में किसी भी पोजीशन पे हो, किसी तरह की कंपनी में कोई प्रोफेशन हो आपका, अगर आप कंपनी में काम करते हैं तो
हुएसा वोन हैं आप। हुएसा का मतलब कंपनी होता है और वोन एम्प्लॉय हो गया तो हुएसा वोन। खोंगमू वोन बोलते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में हैं आप तो खोंगमू वोन हैं आप। पेसा डॉक्टर, ईसा। प्योनहोसा बोलते हैं लॉयर को, वकील को, प्योनहोसा। पुलिस मैन को बोलते हैं ख्योंगछलग्वान, ख्योंगछलग्वान। फार्मर हो गया नोंगबू, नोंगबू। सामू वोन ऑफिस एम्प्लॉय, मतलब जनरली जो ऑफिस में रिसेप्शन या अदर असिस्टेंट वगैरह होते हैं उनको सामू वोन बोलते हैं, ऑफिस कोऑर्डिनेटर इस तरह की जो पोजीशंस होती हैं। ख्योसू मतलब प्रोफेसर, ख्योसू। फेउ इज एक्टर, खासू इज सिंगर। जर्नलिस्ट इज खीजा, खीजा। खुनिन मतलब सोल्जर, आर्मी सोल्जर, खुनिन। एंड योरीसा मतलब कुक। तो आपको एक प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको घर पे आप कीजिएगा प्रैक्टिस, इन सभी वर्ड्स में आप ये यो लगाकर प्रैक्टिस कीजिए। मतलब बोल के देखिए कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं सिंगर हूँ, मैं एक्टर हूँ, प्रोफेसर हूँ, तो उससे आपकी इसकी काफ़ी सही प्रैक्टिस हो जाएगी कि कहाँ पर ये यो लगाना है, कहाँ ये यो लगाना है, कैसे लगाना है। अगर फाचिम पे ख़त्म हो रहा है जैसे कि खूनिन, हकसेंग, सनसिंग, इन सबके लास्ट में फाचिम आ रहा है तो उसमें ये यो लगा दीजिए। जिसमें नहीं आ रहा है जैसे योरीसा में नहीं आ रहा है, आपका खासू में नहीं आ रहा है, ईसा में नहीं आ रहा है, ख्योसू में नहीं आ रहा है, तो इन सब में ये हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिस सब करके देखिए। तो यहाँ पर वही सब है चीज़ें चल रही हैं कि आप सेंटेंस कैसे बना करके देखिए। छ और सचिन को मिलाकर सेंटेंस बनाना तो कैसे बोलेंगे, छन सचिन ही है। सूजी चूक सराम है तो कैसे बोलेंगे, सूजी नन या सूजी शिनन झमूक सराम ही है। तो ये सब तो आप कर सकते हैं, इसलिए मेरे ख्याल से जितना हमने पढ़ा है उतना ही है, उससे ज़्यादा ग्रामर इसमें नहीं है। एक बार इसको पढ़ लेते हैं, इस कन्वर्सेशन को। दीपक और सूजी के बीच में है कन्वर्सेशन। अन्यंगा से यो छौनन दीपक ही है यो, अन्यंगा से यो छौनन सूजी है यो, बांदा सो फांगा वायो सूजी शी ने बांदा सो फांगा वायो, दीपक शिनन ओन नारा सारामी है यो, छौनन इंदो सारामी है यो, सूजी शिनन यो छौनन हांगू सारामी है यो। इसमें दो चीज़ें नहीं आई हैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अन्यों घास हो छौनन दीपक ये हो, अन्यों घास हो छौनन सुजी हो, मैं दीपक हूँ, मैं सुजी हूँ। मानदास हो फांगा हो या सुजीशी मतलब आपसे मिलकर खुशी हुई, सुजीशी, शी नाम के बाद में लगाते हैं। यहाँ पर जो ये फ्रेज है ना, इसको मैं कहूँगा कि आप याद कर लीजिए, इसका एनालिसिस में मत जाइए क्या है मतलब। ऑन नारा सारामी ए का मतलब होता है आप किस कंट्री से हैं, आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। ऑन नारा सारामी ए, तो किसी से बोलना है आपको कि आप, तो मैंने बोला था ना कि आप वर्ड यूज़ ही नहीं करते हैं कोरियन में, तुम और आप ज़्यादा। तो क्या करेंगे, वो नाम बोलेंगे। अगर आपका नाम मान लीजिए फॉर एग्जांपल रवि है, तो अगला पूछेगा आपसे रवि शिनन ओन नारा सारामी है, मतलब रवि किस कंट्री के हैं, तो आपसे ही पूछेंगे आपका नाम लेकर। तो नाम यूज़ करते हैं वो, तुम और आप यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर किसने पूछा, दीपक शी, दीपक जी आप किस कंट्री से हैं, और उसने बोला छौनन इंदो सारामी है, आई एम इंडियन। फिर एक दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट फ्रेज आया है निन्यू। तो जब भी आपको सेम क्वेश्चन वापस पूछना हो उस पर्सन से जिसने आपसे पूछा, तो आप सिंपल उसके नाम में निन्यू लगा दीजिए। तो अगर किसी ने पूछा आपसे कि आप किस कंट्री से हैं, ऑन नारा सारामी है, और आपको ही वही क्वेश्चन पूछना है उसे, तो आप बोलेंगे सूजी शिनन्यो और रवि शिनन्यो, राजू शिनन्यो, सो निन्यू लगा देंगे बस उसमें। तो उसने बोला छौनन हांगुक सारामी है, मैं कोरियन हूँ। That's it, ठीक है। अब देखिए शी का यहाँ पे इन्होंने बताया है कि शी का क्या मतलब होता है, और दो वर्ड इसमें काफ़ी यूजफुल है यहाँ पे आए हैं, ने और आनियो। ने का मतलब होता है यस, ओके के सेंस में भी यूज करते हैं इसको, और आनियो का मतलब होता है नो। तो ये भी आपको याद करना चाहिए, ज़रूरी। तो किसी ने पूछा आपसे एग्जाम्पल के लिए कि इंदो सरामी आयो, कि आप इंडियन हैं, और आपको बोलना है नहीं मैं इंडियन नहीं हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, तो कैसे बोलेंगे, आनियो बिगुक सारामी आयो। या किसी ने आपसे पूछा ईसा आयो आर यू ए डॉक्टर, आपको बोलना नहीं मैं स्टूडेंट हूँ, तो कैसे बोलेंगे, आनियो हकसिंग आयो आई एम अ स्टूडेंट। तो ऐसे आपको ये यो इनका प्रैक्टिस करना है, और उन कहाँ लगाना है उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है।
तो इस एक्टिविटी को आप कीजिए और आई थिंक कि आप कर सकते हैं इसको आराम से। अब यहाँ पर जैसे ये जो दिया है इन्होंने, पता नहीं क्यों दिया है, मुझे तो समझ में नहीं आया कि अभी जब हमने पढ़ा ही नहीं है वर्ब का यूज़ करना, तो ये क्यों दिया है ट्रांसलेट करने को। आई लाइक कोरियन फूड, मूवी, सॉन्ग्स एंड ये सब चीज़ें। तो कुछ चीज़ें इसमें हैं थोड़ी सी जो मुझे लगता है बिना सोचे समझे डाल दी हैं उन्होंने। तो कोई बात नहीं, जो काम की चीज़ें होंगी मैं आपको वो बताता चलूँगा, जो काम की नहीं लेंगे मुझे या इलॉजिकल लेंगे वो मैं स्किप करता चलूँगा, ठीक है। सो बहुत मेहनत की आपने सुनने में वीडियो को, ऑल द बेस्ट, और जल्दी ही हम मिलते हैं अगले लेसन यूनिट 4 में। हमजा अमनिदा।